हेलो दोस्तों, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने चतुर्भुज और उसके प्रकार पर चर्चा की, विशेष रूप से हमने समांतर चतुर्भुज का अध्ययन किया। आज हम समांतर चतुर्भुज के कुछ गुणधर्मों पर चर्चा करेंगे। आइए हम एक समांतर चतुर्भुज PQRS की रचना करते हैं। यदि हम इस प्रकार इन दोनों शीर्षों को मिलाकर विकर्ण QS बनाएं, तो हमें यह दो त्रिभुज मिलेंगे। क्या इन त्रिभुजों के बारे में हम कुछ कह सकते हैं? दोस्तों, क्या यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? आइए इसकी जांच करें। यह एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए भुजा PQ भुजा SR के समांतर है और QS विकर्ण है, यानी यह दोनों कोण कोण PQS और कोण RSQ बराबर होंगे, क्योंकि यह एकांतर अंतःकोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इसी प्रकार कोण PSQ और कोण RQS भी बराबर होंगे। अब त्रिभुज PSQ और RQS को देखिए, यहाँ यह दोनों कोणों का युग्म बराबर है और भुजा SQ उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए यह दोनों त्रिभुज ASA सर्वांगसमता नियम के अनुसार सर्वांगसम हैं। अब हम यह कह सकते हैं कि विकर्ण QS समांतर चतुर्भुज PQRS को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। दोस्तों, आप इसी प्रकार विकर्ण PR बनाकर बने हुए त्रिभुजों की सर्वांगसमता की जांच कर सकते हैं। आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि विकर्ण PR भी चतुर्भुज PQRS को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। दोस्तों, यह समांतर चतुर्भुज का एक गुणधर्म है। इसे हम प्रमेय के रूप में लिख सकते हैं कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। और जैसा कि हम जानते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए इन त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी बराबर होंगी, यानी भुजा PQ भुजा RS के बराबर है और भुजा PS भुजा RQ के बराबर है। दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहां भुजाएं इस समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। यह समांतर चतुर्भुज का एक अन्य गुण है। इसे भी हम एक प्रमेय के रूप में लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। दोस्तों, क्या इस प्रमेय का विलोम भी सत्य होगा? यानी यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो, तो क्या वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा? मान लीजिए चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, तो अब हमें सिद्ध करना है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। यानी यदि हम यहाँ एक विकर्ण AC बनाएं, तो भुजा AB और DC के प्रतिच्छेद करने से बने एकांतर कोण बराबर हों, तो यह रेखाएं समांतर होंगी। इन दोनों त्रिभुजों यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA की सहायता से हम इन्हें समांतर सिद्ध कर सकते हैं। हम देख सकते हैं इन दोनों त्रिभुजों में भुजा AB भुजा CD के बराबर है, भुजा BC भुजा DA के बराबर है और भुजा AC उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए यह दोनों त्रिभुज SSS सर्वांगसमता नियम के अनुसार सर्वांगसम है, यानी कोण BAC और कोण DCA बराबर होंगे और यह एकांतर कोणों का एक युग्म है। हम जानते हैं कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म बराबर है, तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, यानी भुजा AB समांतर होगी भुजा DC के। इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए हम विकर्ण BD खींचकर भुजा AD और भुजा BC को भी समांतर सिद्ध कर सकते हैं। अब इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इस परिणाम को हम एक प्रमेय के रूप में लिख सकते हैं कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो, तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। दोस्तों, हमने यह परिणाम समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के लिए प्राप्त किया। क्या हम उसके सम्मुख कोणों के बारे में कुछ कह सकते हैं? क्या एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की तरह सम्मुख कोणों की भी जोड़ियां यानी युग्म बराबर होंगे? चलिए इसकी जांच करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज DEFG बनाइए। अब एक चांदी की सहायता से उसके सम्मुख कोणों का माप ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं कि कोण D और कोण F का माप बराबर है और कोण E और कोण G का भी माप बराबर है।
दोस्तों, वीडियो पॉज कर आप यह क्रियाकलाप अन्य समांतर चतुर्भुजों के लिए दोहरा सकते हैं। इससे आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि सभी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यह समांतर चतुर्भुज का एक अन्य गुण है। पर क्या इसका विलोम भी सत्य होगा? चलिए देखते हैं। अगर हमें दिया गया हो कि चतुर्भुज एबीसीडी में उसके प्रत्येक सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर है, तो क्या वह एक समांतर चतुर्भुज होगा? आइए इसकी जांच करते हैं। दोस्तों, हम चतुर्भुज के कोण योग गुण यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल का अध्ययन कर चुके हैं। उसका उपयोग कर हम इन कोणों को इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसा कि हमें दिया हुआ है कि कोण ए का माप कोण सी के बराबर है और कोण बी का माप कोण डी के बराबर है, इसलिए समीकरण एक में कोण सी के स्थान पर कोण ए और कोण डी के स्थान पर कोण बी रख सकते हैं। अब इस समीकरण एक को इस प्रकार सरल कर सकते हैं। हमें कोण ए धन कोण बी बराबर 180 अंश मिलेगा। आकृति को ध्यान से देखिए। यदि भुजा ए बी को भुजा ए डी और भुजा बी सी की तिर्यक रेखा माने, तो कोण ए और कोण बी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण हैं, और इन दोनों कोणों का योग 180 अंश है। यह संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का युग्म संपूरक है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। इसी प्रमेय का उपयोग कर हम कह सकते हैं कि AD और BC समांतर भुजाएं हैं। दोस्तों, इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए आप वीडियो पॉज कर भुजा AB और भुजा DC को समांतर सिद्ध कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार। यानी अब हम कह सकते हैं कि प्रमेय का विलोम भी सत्य है, इसलिए इसे प्रमेय के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। यदि एक चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो, तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। दोस्तों, आज के सत्र में बस इतना ही। आज हमने समांतर चतुर्भुज के कुछ गुणधर्मों पर चर्चा की और कुछ प्रमेय सिद्ध किए। मिलते हैं अगली वीडियो में समांतर चतुर्भुज के कुछ और गुणधर्मों के साथ। धन्यवाद।